अब विनोद बंसल जी, ये सीधा कहना है दानिश कुरैशी जी, चाहे अजीज खान जी हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, कि आप लोग कोशिश करते हैं हिंदू वोट को इंटैक्ट करने की, और इसीलिए मंदिर को एक मुद्दा बना रखा है, धार्मिक नगरियों को एक मुद्दा बना रखा है, और इसकी भरपूर ब्रांडिंग की जाती है। देखिए, भारत तो धर्मपरायण देश है, धर्म इसके कणकण में है, रग रग में है, और धर्म के बिना इसका जीवन मृत्यु के समान है बेसिकली। आप देखिए प्राची जी, ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग सेकुलरिज्म जो ढकोसला ओढ़े बैठे हैं, उनको सबसे बड़ी चिड़ तो यही है कि आपके टीवी चैनल पर बार बार ये भगवा वाला भगवा वस्त्रधारी ये जो सीएम है वो क्यों दिखाया जा रहा है, आखिरकार बार बार ये मंदिर क्यों जा रहा है, आखिरकार अभी तक जो पिछले 70 साल में देश का कोई प्रधानमंत्री न जन्मभूमि पर गया, न भगवान राम की जन्मभूमि पर गया, न भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर गया, न काशी विश्वनाथ गया, तो वो आखिरकार अब क्यों बार बार जा रहे हैं भाई? ये बड़ी इनके लिए बड़ा आश्चर्य का विषय है। और वास्तविकता ये है कि ये जो ना भारत को हिंदू द्रोही एक केंद्र बना दिया गया, भारत को जो है ये जो हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखना, यही भारत की सेकुलर राजनीति का एक तमगा बन गया था। अब भारत जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहा है, भारत ने सांस्कृतिक अभ्युदय करके सांस्कृतिक स्वाधीनता की तरफ बढ़ रहा है, तो इसलिए जो पराधीन जो मानसिकता के जो लोग हैं उनको चिढ़ाना स्वाभाविक है। प्राची, मैं समझ सकता हूँ इनके दुख को, समझ सकता हूँ उनकी पीड़ा को, जिन्होंने राम को सीधे सीधे सिरे से नकार दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर हलफनामा दे दिया, जो लोग आतंकवादियों के साथ रात को 3-3 बजे तक खड़े रहे, जो लोग अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं अभी भी जो हम शर्मिंदा हैं, इस तरह के नारे लगाने वालों के लोग साथ खड़े रहे, टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देने वाले थे, तो आखिरकार चिड़ तो होगी ना। आखिरकार कोई राम मंदिर जाएगा, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के लिए बात करेगा, अगर कोई काशी विश्वनाथ जाएगा, अगर कोई वहां पे अपने जीर्णोद्धार करेगा मंदिरों का और भव्य सांस्कृतिक केंद्रों का, तो निश्चित रूप से इनको पीड़ा होगी। ठीक है वरुण पुरोहित जी, पीड़ा क्यों है? जिस शब्द का इस्तेमाल विनोद बंसल जी कर रहे हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री अगर पहली बार श्री कृष्ण जन्मभूमि जा रहा है, तो सोचने वाली बात तो ये है कि इससे पहले के प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए। इस बात पर सियासत से इसे जोड़ देना और इस बात पर मुखरता के साथ इसका विरोध करना, या ये कह देना कि ये तो सिर्फ वोट बटोरने की कोशिश है, ये क्या जायज है? प्राची जी, आपको सादर वंदन। हमारे को ना तो कोई पीड़ा है, आस्था के नाम पर वोट लेने का कीड़ा है, और ना आज की जो लेकिन नाम को नहीं मानते। अब ये लोग बीच में बोले क्रीड़ा करने लगे, राजनीतिक क्रीड़ा आ गई बीच में। क्रीड़ा तो आप करते हैं भाई, देखिए हम क्रीड़ा तो करते हैं, लेकिन राम में क्रीड़ा करते हैं, हम कृष्ण में क्रीड़ा करते हैं, हम कीड़ा नहीं पालते किसी तरह का। आपके बीच में इस प्रकार की नहीं, जरूरत नहीं है ना, हमें कोई पूछ के नहीं बोल रहा हमें। अच्छा रुक जाइए, आप रुक जाइए विनोद बंसल जी, एक मिनट पहले उनको अपनी बात रखने दीजिए। बोलिए वरुण जी, जब हमारे अंदर कीड़ा देखेंगे तो वो कीड़ा तो निकालना पड़ेगा ना इनका भाई, मैं बीच में नहीं बोलता, लेकिन ये बीच में बोलेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। अच्छा चलिए ठीक है, वरुण जी बोले। राजनीतिक क्रीड़ाएं करेंगे यहाँ बैठ के। आप देखिए, यथार्थ का और कपोल कल्पित आत्ममुग्धा का युद्ध हो रहा है, ये इन्फ्लुएंस की बात करते चुनाव के टाइम की, और इनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद याद आता है इनको, आप 25 के बाद कर लेते, पोलिंग के बाद कर लेते, उसी समय आता है। यही तो राम मंदिर के बारे में कहता है उन्होंने कि 2019 से पहले सुनवाई क्यों हो रही है भाई, सुप्रीम कोर्ट में आपका एक नेता थे ना जो गए थे, अभी सुनवाई मत करो, अभी राम मंदिर बनता भी नहीं भाई साहब, आपके चक्कर में इलेक्शन के चक्कर में रह जाते तो हम तो 500 साल से जैसे लड़ रहे थे। विनोद बंसल जी एक मिनट रुक जाइए, सर आप बीच में इंटरव्यू करेंगे तो वरुण पुरोहित जी की आवाज नहीं आएगी, उनकी आवाज कट जाएगी, पहले उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। बोले वरुण जी, ये लोग इसलिए करते हैं कि आदमी का ध्यान भटक जाए, जैसे वोटर का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं ना, इसलिए डिबेट में ऐसी बातें करते हैं। अगर जिसके अंदर थ्यावस होगी, हमारे मारवाड़ी पार्टी के वोट होता है थ्यावस, तो मैच्योरिटी उसके उसको आप कोरिलेट कर सकते हो। मुझे वोट नहीं चाहिए भैया, मैं तो बीच में बोलता नहीं हूँ किसी। देखिए ये कितना भी कोशिश करें, ये चुनाव के टाइम इस प्रकार के जो मंदिर जाना, प्रधानमंत्री जी अभी गए मंदिर भाई 9.5 साल तक क्यों याद नहीं आई, चुनाव के टाइम क्यों याद आई? हर बात को अगर चुनावों से जोड़ेंगे, अब अगर काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया क्या तब भी चुनाव थे? पाके बिहारी कॉरिडोर बनने की बात हो रही है क्या ये भी आप चुनावों से जोड़ेंगे? एक मिनट रुक जाइए, प्रधानमंत्री ने तो कल मथुरा से कहा ना कि लाल किले की प्राचीर से जिन पांच प्राणों की हमने बात कही थी वो संकल्प हम लोग पूरा कर रहे हैं, तो क्या जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री बोल रहे थे क्या तब भी चुनाव थे? आपके प्रधानमंत्री 70 साल में नहीं गए भाई, अजीत भाई ने बताया 2-2 करोड़ के रोजगार की, पता नहीं क्या क्या 19 करोड़ नहीं है, गैस का प्रोजेक्ट भी था, बंसल साहब को दे दिया जाएगा मेरे ख्याल से, चाहे बेरोजगार। देखिए पॉलिटिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बीजेपी की। अरे नेहरू जी गए क्या?
इंदिरा जी गई क्या, राहुल जी गए क्या, सोनिया जी गई क्या, बताओ ना, राजीव गांधी गए क्या।